Lots of delicate and yet fashionable. An angel walked down from heaven. Self-proclaimed. Yeah, but then that's the theme. It is hell in heaven. I am a part of heaven, and I think it is beautifully put together. The white and the pearls. I think it's just so elegant and it's beautiful. And the way she has got this made in just like 48 hours. I think it is commendable and it's beautiful. It is amazing. We celebrate new designers and we celebrate the art of fashion, and I think this is beautiful where yahan par naye designers aate hain. We get introduced to new labels and the young designers, as well as look at her. I mean, I don't think dreams have any age. Age is just a number. Tumko jab shuru karna hai, tum tab shuru kar sakte ho. And look at the output of this. It is amazing. It was mind blowing. I mean, mujhe aisa lag raha hai ki jo maine socha, I mean, I could just imagine and I can see. Yeah. An angel coming, you know, in front of. Thank you so much. Thank you.
ये जो टीम शो था, थीम थी, ये सारी इनके ऊपर हमने बनाई. जोकिंग. ओके. नहीं, ये हमारा फेस्टिव थीम है जो हम अभी कर रहे हैं अपना कलेक्शन में. इट वॉज कॉल्ड द पिक्सल नाइट. Everything is about the night, glamorous women and beautiful creations from Rohit and Rahul. We are known for our surface ornamentation and we wanted to bring what we showcase in Delhi, so we wanted to get a taste of Mumbai. और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो लड़की पहने या लड़का पहने वो हॉट लगे, सुंदर लगे. तो इनको आज हमने पहनाया. सारे मॉडल्स आज सैड हो गए क्योंकि यही बेस्ट थे. हाँ, कहाँ कहाँ. 53 हाँ जी सर. आउटफिट बहुत बहुत सुंदर है. आई थिंक इट्स वेरी फेमिनिन, इट्स वेरी ग्लैमरस. द वर्क, द इंट्रिकेसी ऑफ द एम्ब्रॉयडरी इज आउटस्टैंडिंग. द वे द लाइट जस्ट हिट ऑन द आउटफिट व्हेन आई वाज ऑन द रैंप, it was just beautiful, mesmerizing. It was all hitting on your face and bouncing back, darling. Oh my god, it's the dress for me. It's the dress. Bombay Times fashion week har saal itni achhi opportunity aata hai actors ke liye, designers ke liye, models ke liye. वेल, हमारा बहुत एसोसिएशन है बॉम्बे टाइम्स के साथ. बहुत सालों से हम लोग पहले आते थे बॉम्बे टाइम्स की पार्टीज़ के लिए यहाँ पर मुंबई में, तो बहुत फन होती थी. और हमने उनके लिए मिस इंडिया भी जज किए 2-3 बार. सो बहुत लंबा रिलेशनशिप है. I always have a lovely time with Bombay Times. All their events are superb and I'm very glad to be associated, and I'm humbled to be Rahul and Rohit's showstopper today. I'm actually super, super excited about it and glad that they selected me. Thank you. Thank you. Thank you. नॉर्जिस बेस्ट डिजाइनर्स को भी बुलाओ. नहीं, अभी पहले पहले आएंगे, पर पहले तो लो. दादा कितना सोलो लोगे, अभी तो लिया. हाँ, बाइट. नाउ लेट्स डू द बाइट. Hello darling, we love, we love. गौरा जी, अब किस किस के लिए थी वो, किस किस के लिए कोई आपके लिए आज आप एक झूठ के लिए. Next time. Okay, guys, bye. Okay, who's asking, guys? I'm random.
दोस्त जो यहाँ पे आए हैं आज इसको देखने के लिए अपना टाइम निकाल के, आज संडे का दिन है, क्रिकेट मैच भी चल रहा है, बट मैं हर एक को जो मेरे लिए यहाँ आए हैं और निर्मल जी को सपोर्ट करने के लिए, और पल आज बिजी शेड्यूल में से अंकित आपने और मेरे सारे दोस्त जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं आज, सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ, लव यू ऑल, थैंक यू। मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस साल मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम सेशन वीक को हम लोग टाइटल स्पॉन्सर हैं, हर साल हम पार्टिसिपेट करते हैं एक कॉज के लिए, जैसे हमारे अपने जो इंडियन कल्चर है, इंडियन जो फैशन है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि दो साल पहले हमने अपने कारीगरों के लिए, बुनकरों के लिए हमने ये शो रखा था, और लास्ट ईयर हमने राजस्थान हेरिटेज जो हमारी कल्चर है, रॉयल कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट किए, और दिस ईयर हम लोग गुजरात को जो इतना हम अपने आप में रिच कल्चर है, पटोला जो है, जैसा आप लोगों ने देखा, आप लोग सब लोगों ने शो इन्जॉय किया, वहाँ के सॉन्ग तो है ही, उसके फैशन भी, और भारत को, भारत में अपने आप में फैशन ऑफ इंडिया एंड फैशन फ्रॉम इंडिया, इट्स सो इनोवेटिव दैट ये वर्ल्ड ग्लोबली हम लोगों को लेकर जाना है, इंडिया में यंग यूथ को, ये हमारे एक एज लिमिट नहीं होना चाहिए, रॉयल्टी जो है ये बच्चे भी इसको यूथ भी इसको अपनाएं, इसके लिए हम लोग जो हैं इसको फ्यूज़न भी कर रहे हैं और इसको नए रूप में ला रहे हैं, ताकि ये ग्लोबली हमारा पटोला हर जगह पॉपुलर हो। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में इंसान कुछ भी करे सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, और सीमा जी बहुत अच्छी इंसान है, वो बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करती हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव था पटोला, जो कि मैंने बहुत करीब से आज देखा, ये बहुत अनलाइक फैशन शो था, जिसमें डांस भी था, म्यूज़िक भी था, फैशन शो भी था, तो बहुत एंटरटेनिंग था और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने वो कल्चर, वो आर्ट फॉर्म दिखाया, जो हैंडवर्क है बहुत कमाल का है, जो सीमा जी ने अभी पहना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह से पटोला ने इंडिया की कल्चर को बचाकर बनाकर रखा हुआ, उसके बारे में क्या कुछ है? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं बैठा हुआ था तो जब पटोला इंट्रोड्यूस हुआ अंदर, तो मैंने पल से पूछा, मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं, पता नहीं कि पटोला होता क्या, लेकिन इतनी खूबसूरती से ऑलरेडी उसका एक वीडियो बनाया हुआ था और पूरा कल्चर डिस्क्राइब किया है उसमें कि कैसे क्या होता है, किस तरह से बनता है, तो और सीमा जी ने इतनी खूबसूरती से जो अंदर प्रेजेंटेशन थी वो बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे हम जैसे लोगों को भी कल्चर समझ में आता है कि कहाँ पे क्या कल्चर है। यार पटोला गुजरात से आता है, मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इतना नहीं पता था, बट मुझे पता चला आज थैंक्स टू, यही हमारा एम है, जैसे एक स्टेट तक ये लिमिट ना हो, भारत में हमें इसे लेके जाना है और भारत के बाहर भी लेके जाना है। और निर्मल जी जो हैं ये पटोला के किंग हैं, इनके कपड़े जो हैं मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं, नीता अंबानी जी बहुत शौक़ से पहनती हैं, और हमें पूरे हर घर में एक पटोला साड़ी या कुर्ता, जैसा आपने देखा मेरे बेटे ने पहना है, सारे मॉडल्स ने पहने और कितने अच्छे लग रहे हैं, तो इसे हमें पूरे एक एक घर पहुँचाना है, हर घर पटोला, हम ये स्लोगन दे सकते हैं। मैं लेके जाऊंगा प्लीज। पटोला वो क्वीन ऑफ फैब्रिक बोलते हैं, मतलब इस टाइप का जो फैब्रिक है वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं बनता है, तो इसीलिए वो क्वीन ऑफ फैब्रिक बोल सकते हैं। और जो मोदी जी है वो भी, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो वो मोदी जी पटोला को काफ़ी अच्छी तरह से वो यूज़ कर रहे हैं, कुर्ते सब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, मेंस पॉकेट्स वेयर वो सब यूज़ कर रहे हैं। जी डेफिनेटली, अभी मुझे भी नहीं पता लेकिन जल्दी नज़र आऊँगा। गाते गाते आइडिया नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं, लेट्स सी, थैंक यू।
On behalf of the Streaks professional family, what an occasion. Under one roof, we have the finest from the world, we have the best from the country, and we have all our beloved partners who have made this possible. We are in the second season of Times and Streaks Professional IHI. What a response, what a love we have got from the entire industry. Yes, it is a competition. But what I could feel when we were going through this journey, when we were going through this process, the entire industry, every stylist, they had come together to set the new trends for tomorrow. They were not competing. They were partnering. They were contributing. And what I can see is a great journey ahead. The amount of work which has gone in, fabulous work. I've seen how the journey has been, and we will get the best, but all the 12 finalists, best of luck, super work, and what a great work. Also, thanks to BDFW for this platform. As always, we launch our new collection Spectrum. The time of festivities, we all know the importance of colors, how integral colors and shades are in our life. And Spectrum celebrates those shades, those colors of our life. So as we get into the festivities, enjoy the Spectrum. Thank you. Can we now request our jury member Savio John Pereira to join the ramp as we announce the second runner-up of Streaks Professional Times India Hairstyle Icon 2023. Thank you, Savio. Can we now request our jury member, Yoni Ten Kovel, to join the ramp to announce the first runner-up of Streaks Professional Times India Hairstyle Icon 2023. So, the
Thank you so much. Thank you, Yogi. Can we now request our jury member, Joachim Roos, to join the ramp to announce the winner of Streets Professional Times India Hairstyle Icon 2023. सामने अनुष्का जी, सामने अनुष्का जी, यहाँ पे अनुष्का जी, यहाँ पे आप राइट में यहाँ पे वेट अनुष्का वेट। अरे अनुष्का थोड़ा राउंड मुझे एक मिनट दादा तो घुस गए भाई। वेट बस अनुष्का थोड़ा राउंड ओ क्या बात है। वेट अनुष्का जी इधर वेट आइए रकुल जी। हेलो कम समन डिजाइनर कम समन आपको अवार्ड के लिए जाना जी, सब पता है मुझे, सब जल्दी आइए हेलो सबका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन प्रेजेंट किया आपने, आज की थीम के बारे में जानना चाहेंगे एंड ये क्या कुछ प्रेजेंट किया उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सो कलेक्शन नेम वाज आइस वॉच, इट्स अबाउट माय इनकाउंटर विद आइस एंड स्नो एंड व्हाट शी इज वेयरिंग इज हैंड वोवन ऑर्गेंजा इन माय विलेज एंड व्हाट यू कैन सी एवरीवन वाज वेयरिंग व्हाइट, शी इज द ओनली व्हिच हैज अ हिंट ऑफ कलर। सो दैट वाज द आइडिया बिकॉज show is about you know hair color and then so that was the idea. aap bataiye rakhi ji aapke outfit ke bare mein kitna comfort hai aur aaj ki ramp walk ko karna aapke liye aise kyun baat hai? thank you so sweet, no, I think it's a very nice outfit and it's made for ramp ke upar aapko ek grand outfit pehenne ka jo maza aata hai when it feels like it has a trail, so I think it's an outfit that's made for the ramp and I truly enjoyed it. and mam aap se jana chahunga bombay times
फैशन में भी जो अपॉर्चुनिटी लेकर आता है डिजाइनर्स के एक्टर्स के लिए मॉडल्स के, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ है, यू नो, जितने ज़्यादा फैशन वीक्स होते हैं और जितने कॉम्पिटिटिव स्केल पर होते हैं उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यंग डिज़ाइनर्स के लिए होती है, यू नो, टू शोकेस डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन एंड यू नीड दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर अ गुड एक्सपोजर, सो आई थिंक इट्स ग्रेट। सबसे पहले आपने obviously, I mean, I'd seen the outfit before I reached, you know, fittings ho chuki thi and I really liked the outfit. Actually, all of us loved this outfit. There were two options that we had and all of us liked this outfit more. I'm very happy that Kirakul ne isko appreciate kiya pehna aur is kapde pe इतना इनहांस किया इस लुक को। लास्टली कौन सा कलर आप बालों में हमेशा ऐसे रखना चाहेंगे, आपका फेवरेट? आई थिंक मेरा जनरली हमारे शूट्स के साथ सबसे फेवरेट तो नहीं बट सबसे डुएबल ब्राउन ही होता है, बट व्हेन आई एम ऑन अ हॉलिडे आई लव टू डू पुट इन एक्सटेंशंस ऑफ रेड एंड ब्लू एंड यू नो कलर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फोटो एंड वीडियो कर लेते हैं। सबसे पहले शोगलिट्स और हमारे संतोष सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत 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 शुक्रिया इतना सुंदर आयोजन करने के लिए। थैंक यू संतोष जी एंड योर एंटायर टीम, थैंक यू। अगला वर्ष हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है। साल की शुरुआत में ही श्री राम मंदिर में विराजेंगे और जब राजा राम विराजेंगे तो राम राज्य भी आएगा। इसकी झलक हमें थोड़ी थोड़ी अभी से दिखने मिल रही है।
जैसे कि चंद्रयान 3 का सक्सेस होना, देश में G20 का सफल होना, एशियन गेम्स में भारत के मेडल्स और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन होना, ये सब राम राजा की निशानी नहीं तो और क्या है। तो आज हम सब मिलके श्री हनुमान जी को अपने हृदय में बिठाकर राम का गुणगान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में जैसे राम राज्य आएगा, वैसे ही हम सबके जीवन में भी राम राज्य आए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। पहुंचा है देश हमारा, नए युग से हम भी नाता
जोश है नई उमंगे अब है नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी